Hello all you amazing people. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों. अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी एग्जैक्ट मीनिंग हमको कई बार पता नहीं होती या उसको हम गलत तरीके से उनको यूज़ करते हैं. दोस्तों आज की क्लास में कुछ ऐसे ही टर्म्स हम सीखेंगे या फ्रेजेज हैं ऐसा कह सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में. और इनकी ठीक से मीनिंग अगर हम सीख लें कि इनकी असल में क्या मीनिंग और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो हम बड़ी अच्छी इंग्लिश आसानी के साथ बोल सकते हैं. ये कौन से टर्म्स हैं दोस्तों, आपको एक एक करके बताता हूँ. ये दोस्तों दिस टाइम. अब दिस टाइम की मीनिंग क्या होती है, लोगों की कई बार समझ में नहीं आता. या दैट टाइम, इसकी क्या मीनिंग है. नहीं तो दिस वे या दैट वे. अब दोस्तों इनकी क्या मीनिंग है आज की क्लास में सीखेंगे और कैसे इनको अपने इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे ये भी सीखेंगे. जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए. तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताता हूँ. दिस टाइम की जो मीनिंग है दोस्तों वो है इस बार. इस बार हम कहते हैं ना, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा, ऐसे बोलते हैं हम. इस बार मैं हर काम को अच्छे तरीके से करूँगा या इस बार मैं उसकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा. ऐसे जब इस बार या इस बारी भी बोलते कई बार लोग, इस बारी मैं काम को अच्छे से करूँगा. बट जो स्टैंडर्ड हिंदी है उसके हिसाब से इस बार है, इस बार. तो यही इसका मीनिंग है दोस्तों, दिस टाइम का सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा. सेंटेंस जैसे एक एग्जांपल बनाया मैं आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ. ये एग्जांपल है, किसी के बारे में कहा जा रहा है ही डिड इट राइट दिस टाइम. इस बार उसने इस काम को अच्छे से किया. किसी ने किसी काम को किया, पहले उससे गलती हो गई थी कोई, लेकिन इस बार उसने इस काम को अच्छी तरह से कर लिया, यही बात कोई बता रहा है. ही डिड इट राइट दिस टाइम. इस बार उसने इस काम को अच्छे तरीके से कर लिया. तो ये है दोस्तों दिस टाइम का मीनिंग. दैट टाइम का मीनिंग होता है उस बार. उस बार कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना, उस बार तो वो अकेले ही आया था, इस तरह की कोई भी बात बोल सकते हैं. तो एक एग्जांपल है, जैसे कोई बता रहा है आई कुड नॉट सेव हिम दैट टाइम. उस बार मैं उसको बचा नहीं पाया. वैसे तो मैंने उसको कई बार बचाया था, आई सेव हिम मैनी टाइम्स, बट आई कुड नॉट सेव हिम दैट टाइम. उस बार मैं उसको बचा नहीं पाया. तो एक खास टाइम के बारे में, बार के बारे में बताया जा रहा है कि उस बार में उसको बचा नहीं पाया. आई कुड नॉट सेव हिम दैट टाइम. तो दोस्तों दिस टाइम का मीनिंग है इस बार, दैट टाइम का मीनिंग है उस बार. और इस तरीके से इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं. अब हम आते हैं जो अगला टर्म है हमारा, दिस वे. दिस वे की दो मीनिंग होती है. पहले एक जो पहली मीनिंग वो बताता हूँ. पहली मीनिंग है दोस्तों इधर से. जब हम रास्ता बता रहे होते हैं किसी को या पूछ रहे होते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं आप इधर से चले जाओ, आप इधर से चले जाओ, वो कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे दोस्तों गो दिस वे, इधर से चले जाओ. या कई बार हम मना करते हैं, नहीं नहीं आप इधर से नहीं जा सकते, तो हमको बोलना चाहिए यू कांट गो दिस वे, आप इधर से नहीं जा सकते. या आप इधर से चले जाओ, गो दिस वे. उसके बाद दोस्तों दैट वे का मतलब है उधर से. हम कई बार बोलते हैं ना उधर से चले जाओ, दिखा के बोलते उधर से चले जाओ, तो हमको बोलना चाहिए गो दैट वे. या नहीं नहीं आप उधर से नहीं जा सकते, नो यू कांट गो दैट वे, आप उधर से नहीं जा सकते. तो दिस वे और दैट वे की एक मीनिंग होती है. दिस वे की मीनिंग है इधर से, दैट वे की मीनिंग है उधर से, जब हम रास्ता वगैरह बता रहे होते हैं किसी को या पता बता रहे होते हैं. इस इन दोनों की एक और भी मीनिंग है. वो मीनिंग क्या है दोस्तों, दिस वे या दैट वे की एक मीनिंग ये है. दिस वे का मीनिंग है इस तरीके से, दैट वे का मीनिंग है उस तरीके से. दिस वे इस तरीके से, दैट वे उस तरीके से. इसका मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं ना आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, यू कांट टॉक टू मी दिस वे. वही लिखा है दोस्तों, कोई नाराज़ होकर बोल रहा है, किसी ने किसी साथ बदतमीजी कर दी, वो कह रहा है देखिए आप इस तरीके से मुझसे बात मत नहीं कर सकते, यू कांट टॉक टू मी दिस वे. इसी बात को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यू कांट टॉक टू मी दैट वे, आप उस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते. दोनों का मीनिंग एक ही होता है. कई बार हम इस तरीके से बोल देते हैं, कई बार उस तरीके से बोल देते हैं. तो यू कांट टॉक टू मी, यू कांट टॉक टू मी दिस वे, आप मुझसे ऐसे बात मत नहीं कर सकते. या यू कांट टॉक टू मी दैट वे, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते. कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं, मुझसे ना तुम इस तरीके से बात मत करो, डोंट टॉक टू मी दिस वे या डोंट टॉक टू मी दैट वे. तो ये भी आप ऐसे बोल सकते हैं. किसी काम को करने के लिए आप बोल सकते हैं डोंट डू इट दिस वे, इस काम को इस तरीके से मत करो. जैसे कोई बच्चा है, खा रहा है और उसका खाना जो है थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, थोड़ी आवाज़ वगैरह निकल रही है, तो मम्मी उसको समझा रही है डोंट ईट दिस वे, इस तरीके से मत खाओ, अच्छे से खाओ, हम बोलते हैं ना डोंट ईट दिस वे. या कोई ऐसी चीज़ है जिसको खाने का तरीका ही अलग है और कोई किसी और तरीके से खा रहा है, तो हम उसको ही बोल सकते हैं डोंट ईट इट दिस वे, इस चीज़ को ऐसे मत खाओ क्योंकि इसका खाने का तरीका कुछ और है. तो दोस्तों यही दिस वे एंड दैट वे की मीनिंग. तो दिस वे की दो मीनिंग होगी दोस्तों, इधर से और इस तरीके से, और दैट वे की मीनिंग भी दो है,
उधर से या उस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके से इनको सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए हमको, और इनको अगर ठीक से सीख लिया जाए तो बड़ी आसानी से हम बहुत सी बातों को बोल सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको फिर से कुछ बहुत ही यूज़फुल टर्म्स जो इंग्लिश बोलने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अब टाइम जो भी लग जाए मुझसे जितनी जल्दी होगा मैं आपको उस पर वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।